करके बैठिए, बिकॉज ये परफॉर्मेंस आप लोगों के होश उड़ाने वाली है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आईज ऑन टू द स्टेज. वेल, आई एम श्योर शी इज डेफिनेटली रेजिंग द टेम्परेचर इन द हाउस. आई थिंक कृति ने यहाँ पर ये ठान रखा है कि और इंतजार वो करवाने वाली है ताकि ये परफॉर्मेंस आप सभी लोग और ज्यादा इंजॉय कर पाए. सो एवरीबॉडी लेट्स योर आई बी योर इटसेल्फ ऑन द स्टेज बिकॉज शी इज गोना कम अप विद अ सिज़लिंग परफॉर्मेंस आउट देयर. जिलेबी भाई दम तक लगा दो. यहाँ पे फेलिसिटेशन करें जोरदार तरीके से. Alright, so I'll request. मैं चाहूंगा कि जो फेलिसिटेशन करने आते हैं उससे पहले रश्मि जरूर दो. आखिरी रविवार है, प्यार और उनका साथ हमेशा रहा है, तो जब हम लोग नेबर है इतना उनका सपोर्ट रहा तो ऑफकोर्स मालवनी और मलार के लोगों को तो हमेशा रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, एक बार हाथ ऊपर करके बोलो. That sounds, मतलब इतना प्यार. एंड आई मस्ट से दैट के जो पिछले कुछ दो तीन साल हम लोगों ने देखे, दैट वाज़न्ट दैट इजी. बहुत डिफिकल्टीज के साथ यहाँ पहुंचना और इस तरह का प्यार मिलना मामूली बात है क्या? वेरी वेरी हैप्पी. मैं यही सामने की बिल्डिंग में रहती हूँ, ठीक असलम जी वाली बिल्डिंग में, हर रविवार देखती हूँ आपका ये जोश, आपका प्यार, आपका इतना ही लगाव. ऑनेस्टली एज एन आर्टिस्ट एक कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है. कंसिस्टेंसी समझते हो क्या? अरे यार क्या यार, एक तरह की मेहनत को गिव अप नहीं करना और उसी तरह का जोश और पावर रख के आप सभी के लिए उतना ही प्यार देना जिस तरह से असलम जी काफी सालों से करते आ रहे हैं. राइट और रॉन्ग? बस तो फिर मैं बस थैंक यू कहना चाहूंगी. एंड यू ऑल हैव बीन वंडरफुल एज एन ऑडियंस, एज People who are standing who are very well organized, and I must say that कि मलाड मस्ती में ये जो अलग अलग तरीके से talent देखने का मौका मिल रहा है, I think अगले साल आप में से भी किसी की बारी आ सकती है कि नहीं? अरे ठंडा जवाब देते हो यार तुम लोग. देखो रश्मि, मेरी बारी भी आ गई है, मुझे भी टैलेंट को ऐसा उठा के यहाँ पे आपके बाजू में रख दिया, तो मैं तो वो सबसे लकी आदमी आज की तारीख में अगर कोई है तो मैं हूँ, क्योंकि मैं रश्मि जैसा ये बाजू में खड़ा हूँ. गाइस मेरे लिए भी जोरदार ताली हो जाए. थैंक यू. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एलएम की टीम यहाँ पे आ जाए, बीना, स्वाति, हिमाली, और योगेश लाखानी.
योगेश लखानी, नीलम भानुशाली, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, कैन वी हैव यू हियर फॉर द फेलिसिटेशन प्लीज। मैं योगेश लखानी जी सर का ब्राइड, जितना ये इवेंट ब्राइड है, इनको ब्राइड बनाने के लिए योगेश लखानी सर ब्राइड आउटडोर का बहुत बड़ा खास है साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप योगेश लखानी जी को जानते हैं? मैं खुद इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे बड़ा फेवरेट एक्टर आप सबका कौन कौन है, एक नाम बताओ कॉमन। खान, कपूर, रश्मि। मैं सबको बता दूं, सबको, जो आप ये बड़े बड़े होर्डिंग्स पे देखते हो गली से गुजरते वक्त, हर नुक्कड़ चौराहे पे जहां पर आपको बड़ी बड़ी फिल्म के, टीवी शोज के, वेब सीरीज के, एडवर्टाइजमेंट के जो होर्डिंग्स देखते हैं, ये लगाते हैं। क्या बात है सर। और इनकी वजह से सारे मैसेजेस आप तक पहुंचते, तो जोरदार तालियां योगेश जी के लिए। थैंक यू ब्राइट आउटडोर पब्लिसिटी, थैंक यू सो मच सर। खिड़की से मलाड मस्ती देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर उनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू योगेश भाई, थैंक यू ब्राइट। तो गाइस मस्ती जारी रहे।